थिएटर चैनल में मैं समर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक्चुअली इसे फाइकस माइक्रोकार्पा कहा जाता है, इसे चाइनीज़ बेनियन भी कहते हैं किसी किसी जगह में। एक्चुअली इसका नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा। ये जो नीले रंग के जो नल आप देख रहे हैं यहाँ, ये है स्ट्रॉ। एक्चुअली ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइकस के जो एयर रूट्स होते हैं, एयर रूट्स को डेवलप करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। आपको मालूम होगा कि फाइकस में एयर रूट्स ये मॉनसून के सीज़न में ही ग्रो करता है। मॉनसून के सीज़न में हवा में मॉइस्चर बहुत सारे रहते हैं और लगातार इसको पानी मिलता है, तो इस सीज़न में ये लोग जो एयर रूट्स होते हैं ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में जब बादल नहीं होते हैं, बारिश नहीं होते हैं, धूप बहुत ही तेज़ निकलते हैं बरसात के समय, तो उस धूप में क्या होता है कि ये जो एयर रूट्स से निकलते हैं ये ड्राई हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो एयर रूट यहाँ है, ये अभी तक ठीक है, लेकिन इसी के बगल में आप देखिए ये जो एयर रूट है ये ड्राई हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है। तो ऐसे ये जब कड़ी धूप निकलते हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी एक आप देख सकते हैं, ये अभी तक कच्चा है, ये अभी तक लाइवली है, तो ये बहुत धूप इसमें आएगा तो ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको ड्राई होने से इसको बचाने के लिए मैं ये स्ट्रॉ यूज़ करता हूँ। मैं ये जो स्ट्रॉ आप देख रहे हैं, ये सब स्ट्रॉ एक एक एयर रूट्स को हम यहाँ स्ट्रॉ के अंदर डाल दिए हैं। और स्ट्रॉ के अंदर डालने से क्या होता है, इसमें स्ट्रॉ के अंदर ये ज़मीन का मॉइस्चर ऑलवेज इसमें रहता है और ये एयर रूट्स ड्राई नहीं होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, एयर रूट्स जब ज़मीन में चले जाएंगे और ये मैच्योर हो जाएंगे, तब हम ये स्ट्रॉ को निकाल देंगे, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये स्ट्रॉ दोस्तों ऐसे ही हम अगर हम ऐसे डाल देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन हमको ये स्ट्रॉ निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ से एयर रूट्स घुस गए, ज़मीन में चले गए, तो बीच में ये स्ट्रॉ अटक जाएगा। तो ये अटके नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बीच में से चीर देते हैं ऐसे। जब हम इसको बीच में से इसको चीर देंगे तो क्या होगा, ये जब ज़मीन में मैच्योर हो जाएंगे तो हम यहाँ से स्ट्रॉ को हम निकाल सकते हैं। ये जो फाइकस देख रहे हैं दोस्तों, इसको टाइगर बार्क भी कहते हैं और ये फाइकस का बहुत ही कॉमन पीसीस है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये बहुत ही सुंदर, इसका पत्ते की जो साइज़ होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, ये किसी भी तरीके से इसको ये डाई नहीं होते हैं। तो देखिए, और एक दो यहाँ स्ट्रॉज हमको लगाना होगा। यहाँ एक दो एयर रूट्स निकले हैं नए, यहाँ एक निकले हैं दो चार दिन से, तो इसको हम अभी स्ट्रॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, ये जो स्ट्रॉ है यहाँ से हमको ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसका मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद इसको ऐसे डायगोनली इसको कटिंग करना है और यहाँ से इसको
बीच में से इसको काटिंग कर देना है। और काटिंग होने के बाद देखिए सेट करिए। ऐसे अभी इसको अभी ये जो एयर रूट है इसके लिए सिमिलरली हम एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से इसे ऐसे काट देंगे। देखिए दोस्तों नीचे लगे नीचे अभी ये आराम से नीचे घुस जाएंगे, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे आराम से, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये देखिए एक एयर रूट ये ड्राई हो गया। ये और कोई रूट बाकी नहीं है अभी। तो दोस्तों ये रहा फाइकस एयर रूट्स ग्रो करने का आसान तरीका। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, खुशहाल रहिए, नमस्कार।